उसके पास पावर है, पैसा है, पैसे में ले चली गई है। बेटा आप पीछे की माई तो सब कुछ करवा रही है। बाकी नहीं बताई जा रहा है, पीछे की माई तो करवा रही है, हमारी सुनाई नहीं होती कानून पर। मैं कुछ और ठीक है, हम गरीब आदमी है, जिस दौर पीछे सुनाई बिल्कुल पूछना चाहूँगा आपसे। आपने पैसे का अर्निंग बताया था जिस दिन गर्मी कर आज ठोकर नुकसान खा गए है, डबल डबल नुकसान आपका है। दोनों बेटों ने हमारे एक घर चला गया और दोनों चोट उसके भाई की भी पति थी, लेकिन वह इस पैसे ने लेकर है और उसे जो आरोप लग रहे जीत जगह पति उसके ऊपर भी वो नहीं माना, सब कुछ पैसा भी दोनों का नहीं हुआ। और आज भी जब मैंने कुछ सारा मिलता हो ना गाँव राम गुड़ कट्ठा होने में सड़ देता हो तो अपना घर बसा लूंगी। फिर क्या कहोगे आप लोग घर है बेटा, और मेरे बेटे की कत्ल नहीं पाई तो बेशक वो इज्जत करेंगे उसकी, समझा की ठीक बात है। सारे गांव में नहीं बेरा है तो थारे ताई बेरा का की सच्ची बताइए के को मैं माता जी सब बात ये है निर्दोष नहीं पाई नी तब अब लोग उसकी इज्जत करूंगी और जब निर्दोष पाएगी तो मेरे बेटे की वह जो कानून सजा दे वह सजा वो प्रशासन के और न्यायपालिका कोर्ट के वाले छोड़ दो। हाँ और आप कई बार ऐसा हो ना जो सबके दायरे में आपका और किसी और आदमी का झगड़ा हो गया और वो झगड़ा होगा सुनो गिले सिकले हो गया और कोई नुकसान हो जाए आपका सीधा सक जाएगा। बात है ना बेटा, उसने पुटले करने के लिए ना इसी चीज आने का नहीं सबूत मारे धमका दिया तू मारे दो सबूत नहीं थे मकाई मारे घर में बिगाड़ा है। अरे खुद मैं देख रही उसके जीजा गिर फोना पाए सब क्या है अरे मेरे उसके बेटे का कोई मन का वो नहीं और अपने भाई का मन का वो तो बेटा सब किसके ना होता है जब अपने जीजा दुरा पापा को आवा है अरे मेरे मेरा बेटा छोटा अपने भाई की इंक्वायरी तो करे था जब मेरे बेटे ने मारना जब उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आई मेरे बेटे ने किया प्रतीक की गुरु मार रखे अपना भाई तो इस मारे भाई के ले रहा था यह बात होता भाई के ले रहा था। एक और चीज जो वह अपने भाई के ऊपर के भाई ने एप्लीकेशन दिया आपके छोटे बेटे फौजी की उनसे जो पूछा गया कि मालिकन है जो बोला जी उनके गांव की गाड़ी आई है अपने फोन फान घरा छोड़ कर लोकेश ना आवे अरे अरे का दीवार फांदे पड़ोसी मकान बकाले फूट गए उन्होंने वारदात हुई है उनके गांव की गाड़ी आ रहा है यार वहाँ सुनो कैमरे में गए पूछकर है और जो कैमरे में गाड़ी आ रही है उसकी भी अब हमने एप्लीकेशन दी और पुलिस ने पूछताछ के लिए उन्होंने बताया कि ये फौजी मांग के लेकर आ गए फौजी गाड़ी फौजी मांग के ले गया था मेरे इसके पापा ने उधर बैंक काम था बैंक वाले दिल्ली वाले बुलाया था पुलिस वाले ने पिता हुआ ये तेरी बिल्कुल कार्रवाई होया कर मेरा बेटा प्रवीण उधर ड्यूटी पर था तेने बोला भाई वरिंदर है हरियाणा पुलिस में उन्हें पूछ लो बुला कर उन्हें बोला भाई काली गाड़ी को रहना मैं प्रतीक रखता भी किसी हो भी कोई बदमाश देख ले तेने बोला भाई काली गाड़ियाँ का चलान कट जाए तो इस नाम ने फोन कर कर जितेंद्र तबू थी उसे मकान में खड़ी रहा कि भैया गाड़ी दे दे या प्रदीप वाली ले गया तो जितेंद्र बाहर डेगर गया वह गाड़ी ले गया इसके दादा ने आड़क शहनी कर दी थी तब का भाई प्रवीण आ गया प्रवीण भी अगले दिन बेटी ले हुआ था और वो गाइस ने लिया होगा फिर छोड़ जाओगा इतना जितेंद्र भी नहीं आया सुन तो फोन कर कर तबू जी गया पर उसने काली गाड़ी लाई माता जी एक है ना एक आखिरी बात मैं आपसे पूछूंगा बड़े बुजुर्ग आप लोग गाँव राम ऊपर छोड़ने जानो तो जब आपके पास है दोनों गाँव में आगे सड़क खा पंचायत आगे नहीं होगी एक भैया काम नहीं है अगर दोषी पाई भी तो गाँव राम सजा दवाओगा और नहीं तो अपना घर बसा होता गाँव राम की बड़े बुजुर्ग आगे मानोगे आप लोग मानेंगे इज्जत करेंगे बेटा जी बिल्कुल इज्जत करेंगे ये जो माता जी ने बताया है।